सकता है कि किस शब्द में आपको कठिनाई हुई हो, और जिस शब्द में उनमें से हुई हो वो आप लिख देना। तो मैं दिखाती हूँ, ये रहा। तो इनमें से हो सकता है कि आपको कठिनाई हुई हो वतन पढ़ने में। एक्सप्लेन वीडियो पहले ही डाल रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो, वरना आप यही देख लीजिए उसे। ए मेरे वतन, आपको वतन में आ सकती है, हो सकता है खूब में आई हो, या नारे में आई हो नारा, या शुभ में आई हो, या लहरा में आई हो, हो सकता है, मुझे नहीं लगता तिरंगा में आई हो, लेकिन हो सकता है कि आया हो तिरंगा में, भूलों में आई हो, वीरों में आई हो, प्राण और गवाए में आई हो, और हो सकता है कि लौट में आई हो, लौट में हो सकता है, हो सकता है कि आए हो आपको आँख में आई हो, या भर में आई हो, शहीद में आई हो, या कुर्बानी में आई हो, या हो सकता है आई हो आपको कहानी में आई हो। ओके, तो आपको यहाँ पे हो सकता है आई हो। ओके, देन अब सेकंड दिखाती हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको कि आई हो दिवाली या होली में आई हो, या हो सकता है घरों में आई हो, हो सकता है झेल में आई हो, संगीन में आई हो, माथा में आई हो, बलिदानी में आई हो, या धर में आई हो, हो सकता है घायल में आई हो, हिमालय में आई हो, खतरे में आई हो, हो सकता है सांस में आई हो, या लड़े में आई हो, बिछा में आई हो, खून में आई हो, या पर्वत में आई हो, या हो सकता है हिंदुस्तानी में, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आई हो तो हो सकता है, आप लिख देना अपनी तरफ से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि आपको हिंदुस्तानी में आई हो, आई है तो आप लिख देना, नहीं आई है तो छोड़ देना। हो सकता है हम बस इनमें हो सकता है आपको आई हो प्रॉब्लम, इतने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम जो है आई हो। ओके, फिर अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये आ गए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसमें हमें ये दे रखा है, कि एक मिनट इसे इरेज कर दूँ।